So hello everyone, my name is Shardul Gosani. I'm currently working in ESK Technologies Private Limited as a digital marketer and graphic designer. I completed my graduation in 2023 in computer applications. So मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मतलब मैंने कैसे ग्रेजुएशन से लेके अब तक की जो मेरी स्टोरी है, अब तक की मेरा स्ट्रगल है, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. सो स्टार्टिंग विथ माई ग्रेजुएशन. तो ग्रेजुएशन में जैसे मेरा एडमिशन हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, जब लॉकडाउन लग चुका था कोविड की वजह से, उस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था. सो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है उस टाइम पे, ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, सो इंटरेक्शन वगैरह नहीं होता टीचर के साथ, उसमें लर्निंग का प्रॉब्लम होता था कि आप कैसे उस सिचुएशन को कैसे आप फेस करते हो. वो एक काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सीखना काफ़ी डिफिकल्ट रहता था उस टाइम पर, क्योंकि टीचर्स लोग भी उतना से कोर्स पे कोर्स उनको कम्प्लीट करना है भाई, उनका रहता था मेन मोटिव. सो बेसिकली मैंने जब C++ स्टार्ट किया ऑनलाइन, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे. सो उसके वजह से मेरा बेसिक जो है C++ फर्स्ट ईयर में मेरा कंप्यूटर में एप्लीकेशंस में, सो मैंने वो स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया. उस टाइम में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा था वो सीखना, आप लेक्चरर्स से नहीं सीख सकते वो सब. बट कैसा है उस टाइम पे, जैसे आप यूट्यूब वीडियोज देखो, यूट्यूब वीडियोज पे आप देख सकते हो कि मतलब आप कैसे उस जैसे लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करना, उसमें टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होती है, फिर स्टैक एंड क्या होता है उसमें, एक्सेट्रा एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर इन DSN एल्गोरिथम्स. बट मेरा जो मेन प्रॉब्लम था, मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाता था लोगों के साथ, लोगों को कैसे बात करना, इंटरेक्शन कैसे करना, टीचर से कैसे बात करना, जो मेरे एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे बात करना. सो मुझे काफ़ी स्ट्रगल होती थी उस टाइम. सो बेसिकली जो मेरा प्रॉब्लम था इंट्रोवर्ट, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, घर पे ही रहना, किसी के साथ बात नहीं करना, सिर्फ घर के लोग हैं उसमें ही रहना, बाहर के लोगों से मैं उतना बात नहीं कर रहा था. सो मोस्टली मुझे कॉलेज में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, जब लॉकडाउन हटा 2 साल के बाद, जब मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन था, उसके बाद जब लॉकडाउन हटा, हमारा फाइनल ईयर जो था वो हमारा ऑफलाइन था उस टाइम पर. सो जो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की थी लॉकडाउन के टाइम पे, जो मैंने बेसिक्स जो क्लियर किए थे, जैसे C++, HTML, CSS, JavaScript, MySQL भी था उसमें, PHP था, सो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, काफ़ी प्रैक्टिस किया उस चीज़ पे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब हाँ ये सारी चीज़ें मुझे जम रही है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए काफ़ी ईजी था. बट जब लॉकडाउन गया, हमारा फाइनल ईयर जब स्टार्ट हुआ, फाइनल ईयर में जैसे आने के बाद टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ा, स्टूडेंट्स के साथ करना पड़ा, तो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ उस टाइम पे कि आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, कैसे बात करना उनके साथ. हमने जो पूरे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ किए थे लॉकडाउन के टाइम पे, जो भी मैंने एक्सप्लोर किया था, वो कैसे मतलब लोगों को कैसे बताओ कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की, तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल हुआ मुझे. बट कुछ कुछ टीचर्स अच्छे थे तो उन्होंने थोड़ी मदद की कि हाँ जैसे एक्सप्लेन कर कैसे करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप एक्सप्लेन करने के टाइम पे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखो. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. सो जैसे लॉकडाउन हटा, बट उसके बाद फर्स्ट फाइनल ईयर में जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद में, मेरा जब CGPA निकला पूरा तो ऑलमोस्ट 8 के आसपास मेरा CGPA था ग्रेजुएशन में, विच वॉज ऑलमोस्ट वेरी गुड. बट ऑफलाइन में भी जब मेरे परसेंटेज आया था तो उसमें मेरे 80 के आसपास आए थे बोथ ऑफ द सेमेस्टर्स. बट जब ग्रेजुएशन हो गया, बट उसके बाद क्या, आपके पास स्किल्स तो नहीं है प्रॉपर, आप कैसे आप वर्क करोगे, वर्किंग कैसे होगा. सो जब हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे, ऑफलाइन के टाइम पे जब फाइनल ईयर में थे, तो उस टाइम पे हमारी कंपनी विजिट आई थी. सो कंपनी विजिट हम लोग हमारे कॉलेज के तरफ से ESK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में हमारी कंपनी विजिट आई थी. उनके जो ओनर्स हैं ESK टेक्नोलॉजीज के, प्रशांत सर, उसे प्रशांत कड़ाव, सो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ. उन्होंने इतना जैसे कैसे IT में वर्क करते हैं, आपको कैसे रहना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आप इंटरेक्ट कैसे करते हो लोगों के साथ, उन्होंने एक प्रॉपर रोड मैप दिया
मतलब ये स्किल्स आपको इम्पोर्टेंट है आईटी में वर्क करने के लिए, आपको डेवलपर बनना है, आपको डिजाइनर बनना है, यूआई डिजाइनर बनना है, आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, या फिर ग्राफिक डिजाइनर बनना है, या फिर वेब डेवलपर बनना है आपको। सो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने एक रोड मैप हमको बताया कि हाँ हाँ ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, आपके स्किल सेट में होनी चाहिए, आपके रोड मैप में होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मतलब एक बार जाके मिलना चाहिए सर के साथ। सो मैंने एक दो बार कॉन्टेक्ट किया सर से, तो सर ने बताया कि आप आके मिलो, आप कैसे मतलब फ़ोन भी उतना नहीं हो पाया था, आके मिलो पर्सनली आके मिलो। सो पर्सनली मिलने के बाद जब सर ने पूरा एक्सप्लेन किया प्रॉपरली कैसे कैसे आप वर्क करोगे, कैसे कैसे आपके प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं, कैसे होंगे, उन्होंने जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स रहते हैं जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग टाइप प्रोग्राम है उनका, बर्न स्टैक ऑन क्लाउड एक प्रोग्राम है उनका, ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करते हैं लोग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, वेब होस्टिंग है जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डोमेन नेम सर्विस है, एंड एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ों को वर्क करते हैं, उनकी सर्विसेज भी काफ़ी सारी हैं। सो जब मैं आके मिला था यहाँ पे, उन्होंने एक प्रोग्राम बताया वन स्टैक ऑन डेवलपमेंट, वन स्टैक ऑन क्लाउड। सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग, लिनक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, देन उसके बाद उनका डेवलपमेंट पार्ट था जिसमें बेसिक्स स्टार्ट हुआ था सी एन सी प्लस प्लस के साथ, एंड यू आई, फिर बाद में एचटीएमएल, सीएसएस, बैकएंड एंड कनेक्टिविटी, उनका उस पूरा वन स्टैक का वो पूरा प्रोग्राम है उसमें। सो मैंने जब उन्होंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम वर्क करता है, मुझे अच्छा लगा कि हाँ मतलब ग्रेजुएशन के बाद ये सारे स्किल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो वो तो ज़रूरी होता ही है कि आपके पास स्किल्स है तो कंपनी लेती है। बट मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद यहाँ पे मैंने एज इंटर्न जब स्टार्ट किया, उनका प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली। जैसा मैंने पहले ही बताया कि उसमें हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लिनक्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो बेसिकली जब हमारा ग्राफिक, हार्डवेयर एंड लिनक्स होने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारा कंपनी हमने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। अभी मैं प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहा हूँ, उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर कैसे वर्क करना, उनकी डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करना, उनकी इमेजेस कैसे क्रिएट करना, वीडियोज़ होते हैं उनके, उनके कंटेंट्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना। सो वो सारी चीज़ें मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, अभी भी मैं वर्क कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स। सो अभी हमारा जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, डेवलपमेंट के टाइम पे जैसे स्टैक ऑन क्लाउड हमारा पूरा हो गया है, तो उसके बेसिस पे भी हम अभी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्क है वो अभी भी चल रहा है। सो बेसिकली जो इसमें और एक सॉफ्ट स्किल का सेशन उन्होंने ऐड किया, जैसे आप एज ए प्रोफेशनल वर्क करते हो, मोस्टली इंटरेक्शन कैसे करते हो प्रोफेशनली, आपको हैंडल कैसे करना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, बात कैसी करनी चाहिए, इंग्लिश टॉकिंग पे उनका काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ इंग्लिश टॉकिंग में, क्योंकि आप जैसे कंपनी में जाते हो तो आपको हिंदी में नहीं बोलना पड़ता, आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। सो वो सबसे एक मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो इंग्लिश में टॉक करने के लिए, बट अभी वो धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है, अभी भी वर्क कर रहे हैं हम। सो मेरा जो इंट्रोवर्ट का प्रॉब्लम था वो सॉफ्ट स्किल के सेशन से मुझे काफ़ी हद तक उसमें मदद मिली कि कैसे कैसे उसको वर्क करना चाहिए, कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए। सो यही मेरी एक स्टोरी है, जैसे कहाँ से ग्रेजुएशन से लेके अब तक ये जो मैंने वर्क किया एज ए डिजिटल मार्केटर, मैं अभी बीएससी टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहा हूँ और डिफरेंट सारी टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहा हूँ, एज ए वन स्टैक डेवलपर भी यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर वर्क करके, यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो भी काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व करता है, सर भी है यहाँ पे, मैम भी है जो सेशंस देते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो इंडिविजुअल पर्सन को वो पूरा बताते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली। सो लास्ट में जो मेरा एक मैसेज है, एक जैसे एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको, हम जैसे वर्क करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में आप वर्क करो, किसी भी प्रोग्राम में आप वर्क करो, आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क अगर नहीं करोगे आप तो नहीं हो पाएगा, और जो भी ड्रीम्स है आपके, जो भी एक सिक्स फिगर की आपकी सैलरी होती है वो नहीं हो पाएगा आपसे।
कहीं पे भी जाओ आपको स्किल्स होनी चाहिए, कहीं पे भी जाओ आपको प्रॉपरली एक जो वेव होता है प्रोफेशनल आईटी में वर्क करने के लिए वो होना ही चाहिए। हमने जैसे यहाँ पे जैसे मैंने सीखा सॉफ्ट स्किल में हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड एक्सेट्रा, सो मैंने थिंग्स और अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो सारी स्किल्स मुझे आती है। इसके बेसिस पर मैं काफ़ी अच्छी तरीके से बाहर में वर्क कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, अभी भी यहाँ पर मैं वर्क कर ही रहा हूँ। बट एक्सपीरियंस लेना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो PS के टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे जैसे हम वर्क करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज पे हमको वर्क करने के लिए मिला है। यहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी मदद होती है मुझे, सर वगैरह है, मैम वगैरह है, तो उसमें मुझे काफ़ी एक अच्छा लगता है कि मतलब समझाने वाले है कोई, यहाँ पे कोई गाइड करने के लिए है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है लाइफ में, या फिर आपको प्रोफेशनल जो गाइडेंस चाहिए, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज यहाँ पे PS के IT सर्विसेज, PS के टेक्नोलॉजीज में आइए। आप सर हैं, सर आपको पूरे डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर करेंगे, आपको गाइड करेंगे अच्छी तरीके से कि आपको कैसे वर्क करना चाहिए IT कंपनीज में, आप कैसे वर्क करते हैं, आपको कौन से स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जैसे मॉन्स्टर कम टावर में करंटली यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, सो वो भी प्रोग्राम्स अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। सो दैट्स इट।